राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यक्रमों से हमेशा दूरी बनाए रखने वाली ओसियां से विधायक दिव्या मदेरणा अपने विधानसभा क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यक्रम में शरीक नहीं होंगी। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूर्व मंत्री स्वर्गीय रणजीत सिंह की मूर्ति का अनावरण करने के लिए ओसियां विधानसभा के डावरा गाँव में आएंगे। वहीं मुख्यमंत्री का कार्यक्रम दो दिन पहले ही आ गया था, लेकिन लंबे समय से अपने क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर रही दिव्या मदेरणा ने सोशल मीडिया पर अपने प्रतिदिन के कार्यक्रम के साथ 9 और 10 सितंबर को निजी कार्य के चलते राजस्थान से बाहर होने की जानकारी शेयर कर दी है। इससे साफ जाहिर होता है कि अब लगातार दूरियां बनी हुई है। यह भी तब हुआ जब हाल ही में दिव्या मदेरणा की मुख्यमंत्री से जोधपुर के सर्किट हाउस में मुलाकात भी हुई है। इसके बावजूद दिव्या मदेरणा का मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा नहीं करना राजनीतिक चर्चा बन गया है। दिव्या मदेरणा 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कई कार्यक्रम जोधपुर में हुए हैं, जिसमें दिव्या मदेरणा के अलावा जिले के सभी कांग्रेस के विधायक शामिल होते रहे हैं, लेकिन दिव्या मदेरणा इन कार्यक्रमों से लगातार दूरी बनाए रखती है। इस वर्ष 18 फरवरी 2023 में उम्मेद स्टेडियम में हुए एक शिलान्यास कार्यक्रम में वो जरूर पहुंची थी, जिसमें ओसियां क्षेत्र की एक पेयजल परियोजना शामिल थी। इसके अतिरिक्त वह किसी भी आयोजन में शामिल नहीं होती रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ओसियां के डावरा गांव में मूर्ति अनावरण को भी राजनीति में अलग चर्चा के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि पूर्व मंत्री रहे स्वर्गीय रणजीत सिंह के पुत्र घनश्याम सिंह राठौर राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में अतिरिक्त महाअधिवक्ता हैं, जो फिलहाल संजीवनी घोटाले से जुड़े मामले में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे हैं। तो वहीं इस मूर्ति अनावरण कार्यक्रम को पूर्व सांसद बद्रीराम जाखर की देखरेख में तय किया गया है। तो वहीं पिछले काफी समय से दिव्या मदेरणा और बद्रीराम जाखर के बीच भी विवाद चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।